नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो आपके लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने की समय सीमा बढ़ा दी है। आयकर विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक अब 31 मार्च 2021 तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है। आयकर विभाग ने कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। वहीं आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख भी बढ़ा दी है। बता दें कि इससे पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी, लेकिन अब फिर से ये तारीख बढ़ाने से लोगों को 9 महीने का टाइम मिल गया है। इससे पहले भी कई बार पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ाया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 में दिए फैसले के बाद पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य हो गया था। यहां तक कि आप अगर नए पैन कार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भी आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर बताना अनिवार्य है। नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार नंबर ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। वहीं मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए आखिरी तारीख तक अपने परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। आयकर विभाग के मुताबिक अगर पैन कार्ड धारक डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं करते हैं तो पैन काम नहीं करेगा। इतना ही नहीं, अगर आप इन तारीख तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कर पाते तो पैन कार्ड से होने वाला लेन देन नहीं हो सकेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।